लास्ट पार्ट में बात कर रहे थे एम्प्टी रिलेशन की, तो ए मान लेते हैं एक सेट है जिसके अंदर अल्फ़ा बीटा और गामा एलिमेंट्स है, और बी के अंदर अल्फ़ा बीटा ए बी एंड सी एलिमेंट्स हैं। तो जाहिर सी बात है ए जो है अब वो इस सेट का डोमेन हो गया और बी जो है वो कोडोमेन हो गया। अब बी में से जितने एलिमेंट्स में रिलेशन रिलेट कर रहा होगा वो उसकी रेंज बन जाएंगे, बट जस्ट बिकॉज इट इज़ एन एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन इसका मतलब यहाँ से कोई भी एक एरो नहीं निकल रहा होगा लेफ्ट साइड से, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट ए का ऐसा नहीं होगा जिसकी इमेज आ रही होगी बी में, या कोई भी एलिमेंट बी का ऐसा नहीं होगा जिसकी प्री इमेज आ रही होगी ए में। इसका मतलब है कि आर जो सेट रहेगा वो एक नल सेट रहेगा और वो फाई रहेगा। तो रिलेशन सेट जो है वो ये रहेगा। अब एग्जांपल देखते हैं इसका कैसे होगा। मान लेते हैं ए सेट है, सेट ऑफ ऑल बॉयज़, किसी भी स्कूल में ऑल बॉयज़ का एक सेट है। अब एक रिलेशन डिफाइन किया हमने ए से ए में ही सच दैट ए कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे उस सेट के, जिसमें ए जो है वो भी ए सेट से आएगा, बी जो है वो भी ए सेट से आएगा, और ए इज सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रिलेशन जो ए और बी में रहेगा वो ये रहेगा कि ए जो है बी की सिस्टर रहेगी। बट अब हम सभी को पता है क्योंकि ऑल बॉयज़ का स्कूल है तो इसमें कोई भी फीमेल कैंडिडेट है ही नहीं, इसका मतलब सिस्टर तो कोई भी नहीं बन सकता। तो इसका मतलब रिलेशन सेट जो आएगा उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे तो वो फाई आ जाएगा। ये एक एग्ज़ाम्पल है एम्प्टी रिलेशन का। आई होप अब एम्प्टी रिलेशन क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और यूनिवर्सल रिलेशन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन जस्ट एम्प्टी रिलेशन का रिवर्स होता है। इसमें क्या होगा, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी अदर एलिमेंट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ऐसे मान लो, सेम एग्जांपल ही ले लेते हैं कि ए सेट है ऑफ ऑल बॉयज इन अ स्कूल। अब हमने एक रिलेशन डिफाइन किया जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी आएंगे और ए कॉमा बी के बीच जो रिलेशंस रहेगी वो रहेगी कि डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी बी लेस देन 3 मीटर। इसका मतलब ए सेट रिलेशन सेट के अंदर ऐसे सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर पे एक्सेप्टेबल होंगे जिन दो एलिमेंट्स यदि जिन दो बॉयज़ के हाइट की डिफरेंस जो है वो 3 मीटर से कम होगी। तो अगर हम लोग इन जनरल कोई भी एक बॉयज़ स्कूल में जाए या स्कूल में जाए और वहाँ पर बॉयज़ की हाइट का डिफरेंस निकाले तो किसी की भी हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से ज़्यादा तो नहीं आएगा, इनफैक्ट 3 मीटर भी बहुत रेयर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सभी के सभी लेस देन ही रहेंगे 3 मीटर्स के। इसका मतलब सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर जितने पॉसिबल हैं वो सभी रिलेशन सेट को सेटिस्फाई करने होंगे। इसको अगर डायग्राम की हेल्प से समझना चाहो तो ऐसे समझ लो, ए था एक सेट, इसके अंदर मान लेते हैं बी वन है, बी टू है, बी थ्री ऐसे सो ऑन। ये बी वन स्टैंड्स फॉर बॉय वन, बी टू स्टैंड फॉर बॉय टू, बी थ्री स्टैंड फॉर बॉय थ्री, और ये इसका दूसरा जो सेट है ए से ए में क्योंकि डिफाइंड है तो ये भी मान लेते हैं बी वन बी टू बी थ्री एंड सो ऑन है। तो अब रिलेशन सेट अगर मैं इसे बनाना चाहूँ तो बी वन कॉमा बी वन हो जाएगा क्योंकि वो सेम बॉय है, उनकी हाइट का डिफरेंस तो 0 होगा तो लेस देन 3 मीटर तो हो गई होगा। वैसे ही अगर मैं बी टू और बी वन को ले लूँ, बी टू कॉमा बी वन, तो ये भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब जितने भी रिलेशंस बन पाएंगे इनसे पॉसिबल वो सभी के सभी क्या होंगे, एक्सेप्ट हो जाएंगे।
तो जो आर सेट जो हो जाएगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए, जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो जब कभी भी रिलेशन सेट जो है वो ए क्रॉस ए हो जाए, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सम हो जाए, तब उस रिलेशन को हम क्या कह देते हैं कि वो यूनिवर्सल रिलेशन है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में अगर मान लेते हैं अगेन आर एक सेट है जिसको ए से ए में डिफाइन किया गया है, तो आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होगा जिसमें ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से ही रिलेट हो रहा होगा बस, और किसी से नहीं। तो अगर मैं वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करूँ तो अगर अल्फ़ा सिर्फ अल्फ़ा से, बीटा सिर्फ बीटा से, गामा सिर्फ गामा से रिलेट कर ले तब ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये नोटेशन हो सकता है तुम लोगों को थोड़ी डिफिकल्ट लगे, तो बट गेट कंफर्टेबल विद दिस क्योंकि आगे इसको ही डील कर रहे होंगे। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं एक ए सेट है, ठीक है, जिसके अंदर 1, 2 और 3 एलिमेंट्स हैं। अब अगर मान लो कि मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया ए से ए में, और वो रिलेशन सेट जो है वो आ जाए 1, 1, 2, 2 और 3, 3, तो ये जो रिलेशन है इसे मैं आइडेंटिटी बोल दूंगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे पहला चीज़ कि ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो रिलेटेड हैं खुद से, कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड विथ इट्सेल्फ, और सेकंड सेकंड है नो एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू अनादर एलिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहली बात कि कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। वन है तो 1 का 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए, और इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। लाइक यहाँ पर मैं ऐसे नहीं लिख सकता रिले, अगर मैं मान लो आर ऐसे डिफाइन कर देता 1, 1, 1, 2, 2, 2 और 3, 3, तो ये जो है ये एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता, नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, अभी आगे चल के डील करेंगे तो पता चलेगा कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, बट अभी के लिए जब तक नहीं पढ़ा है तब तक ये एक आइडेंटिटी रिलेशन तो नहीं है। सो आई होप आइडेंटिटी रिलेशन अब क्लियर होगा। तब इस कैटेगरी के सबसे लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, और वो है इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इनवर्स रिलेशन नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि किसी भी एक रिलेशन का जस्ट इनवर्स होगा। तो अगर हम लोग मैथमेटिकली सेट नोटेशन में बात करें, तो अगर मान लो एक अल्फा कॉमा बीटा एक ऑर्डर्ड पेयर है जो आर एक सेट को बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम आर इनवर्स, अच्छा इनवर्स रिलेशन को आर इनवर्स से हम लोग डिनोट करते हैं, तो आर इनवर्स जो सेट होगा उसमें बीटा कॉमा अल्फा आना चाहिए। ठीक है, तभी ये इनवर्स रिलेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए ऐसे देख लो, जैसे हम ए एक सेट है उसमें 1, 2 और 5 है, और रिलेशन ए से ए में ही डिफाइंड है। तो मान लो मैंने एक आर सेट बना दिया 1, 2 और 1, 5 का, तो इसका इनवर्स रिलेशन जो है वो बनेगा सिंपली, जस्ट इसको उल्टा कर दो, 2, 1 और 5, 1। ठीक है, तो एक एग्जांपल और लेकर के देखते हैं इसको। मान लेते हैं एक ए सेट है इसमें 1, 2 और
लेट अस सपोज 7 ले लेते हैं, ठीक है। अब एक रिलेशन डिफाइन किया हमने जिसमें बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी हैं। यहाँ पर से आर, हम अगर आर सेट बनाना चाहें तो इसमें देखते हैं कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स और कौन कौन से एलिमेंट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एक तो है 1, 2, ओके, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, 6 कर लेते हैं, अब सेटिस्फाई कर जाएगा ये, 1, 2 सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, 1, 2 सेटिस्फाई किया तो 2, 1 भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इनके अलावा और कोई एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 2, 7 नहीं करेगा, 7, 2 नहीं करेगा, 7, 1 नहीं करेगा, 1, 7 भी नहीं करेगा, तो ये हो गया। तो यहीं से अगर R इनवर्स में लिखूँगा तो वो लिख दूँगा मैं 2, 1 और 1, 2। तो यहाँ पर दिख रहा है कि R इक्वल्स टू R इनवर्स आ गया, बट ये हमेशा नहीं होगा, ठीक है, हर केस में ऐसा नहीं होगा, ये बाय चांस आ गया है, बट यू गेट द आइडिया कि इनवर्स रिलेशन क्या होता है। सो इस तरीके से 4 इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमने कवर कर लिए, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सेकंड कैटेगरी जो हमने पढ़नी है, जो कि होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सो सी यू अगेन विद अनदर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, स्टडी वेल।